फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है और डेफिनेटली गाइस यहां पे मैं 99% श्योर हूं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको अपने फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं, आपको अपने फोन का पूरा डाटा उड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका फोन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और हमारे जो सैमसंग वाले हैं ना वो थोड़ा सा अब मान रहे हैं बात को, मेरी बात हुई सैमसंग कंपनी से तो वो जो है अब बातों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से जो है ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी डिस्प्ले इशू वाली सॉल्यूशन है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है बहुत सारा चीज़। तो गाइस यहाँ पे ना आप अगर आपको डिस्प्ले इशू भी है तो आप ये चीज़ एक बार कर लेना, लेकिन ये मेनली जो वीडियो है जिसको भी ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रही है सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन हो, स्पेशली M51 क्योंकि इसमें जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और एग्जिनस तो है नहीं कि इसका मदरबोर्ड ख़राब होने वाला है। तो किसी को भी कोई भी स्मार्टफोन अगर आपके पास है सैमसंग का और अगर आपको ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इस वीडियो के बाद गाइस आपको प्रॉब्लम पूरी तरह से रिसॉल्व हो जाएगा। तो गाइस फोन के स्क्रीन में चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपको करना क्या है और उसके बाद आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M51 और इसमें गाइस मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिनों से ऑटो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो इसको गाइस हम लोगों को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप और डेफिनेटली गाइस यकीन मानिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने कस्टमर केयर से भी बात कर ली और अभी जो है थोड़ा सा अच्छे मूड में वो लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम गाइस आपको ये करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेटिंग में जाना है, सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन में जाना है गाइस। और यहाँ पे जाने के बाद ना आपको मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कोई भी एरर शो करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर शो नहीं कर रहा है तब क्या करना है, मैं एरर आपको दिखाता हूँ क्या एरर आपको शो करेगा। जैसे ही आप सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन को ऑन करोगे आपको गाइस ये शो करने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो है आपको शो करेगा ऑटोमेटिक एरर रिपोर्ट्स योर फोन इनकरेक्टली रीस्टार्टेड और फ्रोज। यहाँ पे देखो ये जो फोन है वो एक्सेस कर लिया है कि हमारा जो फोन है वो इनकरेक्टली रीस्टार्ट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है गाइस यहाँ पे लिखा है, मे भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमारे डाटा को चुराने की कोशिश कर रहा है या फिर हमारे फोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इस वजह से जो है ऑटो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया था कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, इस हिसाब से जो है ऑटो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम मदरबोर्ड की वजह से तो नहीं आना चाहिए और ऐसा ही हुआ गाइस। यहाँ पे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की वजह से हम लोगों को कोई भी मदरबोर्ड का इशू नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है और यहाँ पे मैं श्योर भी हो चुका हूँ और हमारा जो फ़ोन है वो अभी सेफ है, हमारे फ़ोन में मदरबोर्ड का कोई भी इशू अभी तक नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 50% चांस हो सकता है, अब मैं क्लियर हो गया हूँ गाइस कि हमारा जो फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हुआ है और या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो मैंने गाइस सैमसंग केयर में बात जब किया तो उन्होंने बोला कि अगर आप जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो मेक श्योर जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट करते टाइम अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज होता है, थोड़ा भी मतलब अप डाउन होता है, तो आपको जो है अपडेट इंस्टॉल अगर आप कर दोगे ना तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो गाइस इस बात का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। और गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं अब वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। तो गाइस उसको साइड में रखते हैं, हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से सारा कुछ आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्स यहाँ पे लिखा है आर इंस्टॉल, तो हम लोगों को गाइस अगर आपको सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन ओपन करते ही जस्ट ये अगर शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे सैंड का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सैंड का बटन जो है इसको दबा देना है। मैंने सैंड कर दिया है गाइस, तो मैंने सैंड कर दिया। इसके बाद क्या होगा, जो सैमसंग वाले हैं ना वो चेक करेंगे आपके फ़ोन में क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है, फिर आपको बताएंगे और हो सकता है कि अंदर ही अंदर सारा कुछ वो लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और मतलब जो एक्सेस हम लोग दे के रखें उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा कुछ करेंगे तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम है सैमसंग की तरफ से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आपको ये करना है, अगर मान लीजिए ऐसा नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, उस कंडीशन में गाइस आपको सिंपली सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन में मैं गया, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे गाइस आपको जो है सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में गाइस आपको जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस फिर नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में गाइस जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देखना है कि सारा जो नोटिफिकेशन है वो ऑन है या फिर नहीं। सबसे मेन ये जो है डायग्नोस्टिक्स जो रिमाइंडर है ये ऑन होना चाहिए, इसकी वजह से ही हम लोगों को ये वाला जो रिमाइंडर है
वो देखने को मिला है इसी की वजह से। तो ये अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो शो नहीं करेगा। तो इसको गाइस आपको ऑन करना है, और मैं आपको बोलता हूँ मेक श्योर आपको सबको ऑन कर लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है हमारे किसी भी परेशानी में बहुत ज़्यादा काम आता है जैसा कि आपको पता है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से और आपको कैसे सोल्यूशन मिलेगा। तो गाइस ये आपको करना है, उसके बाद गाइस सैमसंग वाले आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। अब दूसरी बात गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको करना है और वो लोग कब ठीक करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसका वेट नहीं करना है। मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, आपका प्रॉब्लम ठीक करूंगा मैं। तो यहाँ पे गाइस आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको जाना है जनरल मैनेजमेंट में, और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीसेट का ऑप्शन। रीसेट के ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम में आप मैसेज डेफिनेटली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे रीसेट में जाना है। रीसेट में जैसे आप जाएंगे गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। आपको ये जो है ना, ये आपको कर देना है रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। मैंने पहले ही कर दिया है तो मैं ये अभी नहीं करूँगा। उसके बाद गाइस सेकेंड स्टेप आपका ये है रीसेट ऑल सेटिंग आपको करना है। जो भी सेटिंग वगैरह है ना बैकग्राउंड में, इस क्या क्या यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेटिंग, अकाउंट, पर्सनल डाटा, थोड़े बहुत जो है सेटिंग्स वगैरह आपको प्रॉब्लम करेगी, तो आपको रीसेट सेटिंग कर देना है गाइस। आपको ऑल सेटिंग रीसेट करना है। उसके बाद आप अगर इसको करोगे ना, तो पूरे एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे तो फिर से कुछ भी डिलीट नहीं होगा डाटा, डोंट वरी। लोकेशन अलाउ करवाना पड़ता है और कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अलाउ करवाना पड़ता है, बस आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है आप किसी किसी एप्लीकेशन में आपको फिर से लॉग इन करना पड़े। तो गाइस बस आपको इतना ही प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाटा वगैरह आपका नहीं इरेज होगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको गाइस ये मैंने अभी तक नहीं किया है, तो ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइस आपको जो है अपना पिन है दबा देना है और हमारा जो रीसेट है वो हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेटिंग है वो कौन सा रीसेट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ये जो नेविगेशन बार है वो चेंज हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कुछ एप्लीकेशन वगैरह अगर मैं ऑन करता हूँ तो शायद कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ आ गया। अब इंस्टाग्राम अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे कोई भी एक्सेस वगैरह कुछ नहीं मांग रहा है, देख सकते हो। बस ये जो सेटिंग्स है ना मोबाइल की, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। बाद हो सकता है गाइस आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो, तो आप लोग ध्यान दे देना, ज़्यादा माइंड मत करना उस चीज़ को। आपको दो चीज़ करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये दो चीज़ अगर आप कर लोगे तो हो सकता है रीसेट ऑल सेटिंग करने से आपका फ़ोन एक बार स्विच ऑफ हो। अगर स्विच ऑफ नहीं भी होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना, फिर जो है आपका फ़ोन अच्छा थोड़ा स्मूथ वर्क करने लगेगा। गाइस इसके बाद हो सकता है ये जो नेविगेशन बार है ये जो है वो चेंज हो जाएगा, और आपका जो एनिमेशन है स्केल है ना जो हम लोग स्पीड करके रखे थे, वो आपका जो है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो पहली तरह से शिफ्ट हो जाएगा। और हाँ, रिंग टोन है ना वो आपका चेंज हो जाएगा, जो बाई डिफ़ॉल्ट रिंग टोन है वो आ जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम आपको होगा, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली इसके बाद अगर हार्डवेयर का कोई इशू नहीं है ना, तो सॉफ्टवेयर वाइज अगर कोई बग है हमारे स्मार्टफोन में जो ऑटो रीस्टार्ट कर रहा है हमारे फ़ोन को, या फिर डिस्प्ले में भी हो सकता है ठीक हो जाए। डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऑटो रीस्टार्ट के लिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से श्योर हूँ। इसको करने के बाद दो चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये दो चीज़ करने के बाद आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अगर गाइस मान लो इन दोनों चीज़ को करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको सिंपली गाइस अपने फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है। फैक्ट्री डाटा रीसेट करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको सर्विस सेंटर जाके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेंज करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मात्र 234 रुपये या फिर 250 रुपये के अराउंड ही लगेगा, ज़्यादा का बिल नहीं बनता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पता कर लिया, और अलग अलग एरिया में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो 200-300 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो गाइज होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। और हाँ, जिसको भी प्रॉब्लम आ गया है ना, मदरबोर्ड उसका ख़राब हो गया है या फिर डिस्प्ले आप उसको बदलवाना है, तो गाइस उसके लिए मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको जो है कंपनसेशन चाहिए 90-80% का, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। जो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं उसको मैं जो है वो सारा कुछ डिटेल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे उसको थोड़े बहुत कंपनसेशन मिल जा रहा है। और अगर गाइस तो गाइस वो जो वीडियो है ना वो मैं आपको कल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ मुझे आज सोल्यूशन मिल गया था, तो सोल्यूशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना आज उसी के टॉपिक पर वीडियो आता। तो यहाँ पर गाइस
कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा और यहाँ पे अब डेफिनेटली आपका रीस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं भी यहाँ पे देखूंगा कि मेरे फ़ोन में रीस्टार्ट प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आ रहा है, और बाकी लोगों को भी मैंने बोल दिया है, कुछ कुछ लोगों ने किया है 2 दिन पहले ही, और 2 दिन पहले से उनको शायद 2 दिन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप कमेंट भी पढ़ सकते हो। तो गाइस आपको मैंने 4 चीज़ें बताए हैं। पहला, 2 सेटिंग आपको करना है, 2 सेटिंग के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, 99% चांस है सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अपने फ़ोन का फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है, अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो सर्विस सेंटर जाके आपको सॉफ्टवेयर चेंज करवाना पड़ेगा, बस और कोई भी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे मुझे कि क्या सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड कर सकते हैं सर्विस सेंटर जाके, तो बिल्कुल गाइस आप सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप सर्विस सेंटर में पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, डाउनग्रेड करवाने का काम सिर्फ मैं करवा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ रिस्की होती है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बस और कोई रीज़न नहीं है। बाकी मुझे डाउनग्रेड करना बहुत अच्छे से आता है। और उसके बाद गाइस, अगर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि नया सॉफ्टवेयर डलवाऊंगा तो कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन, ये सारा कुछ गाइस, जो अभी आपके फ़ोन में लेटेस्ट चल रहा है, जो अपडेटेड वाला है वो वाला आपको मिलेगा, और मतलब 90% चांसेस यही होते हैं कि जो अपडेटेड है वही वाला प्रोवाइड करते हैं, मतलब एंड्रॉयड 12 वाला ही मिलेगा, और जो सिक्योरिटी पैच आप लोगों को लेटेस्ट मिला है जून 28 वाला, वही वाला मिलेगा, तो डोंट वरी। और मैंने आपको बताया कि इंटरनेट स्पीड का आपको ख्याल रखना है जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, तो मेक श्योर गाइस आपका इस वीडियो के बाद पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा, इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि ये एक काम की वीडियो है। और सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।